तीसरे T20 में हार के बाद गुस्से में आकर धोनी ने बताया हार के साथ सबसे बड़े कारण। आप सभी को बता दें कि तीसरे T20 के मुकाबले में मुकाबला जो है भारतीय टीम का 100% जीता हुआ था, लेकिन जीत कर भी टीमें कैसे हार गई आप सभी को बता दूं कि कहां पर कितनी क्या बेईमानी की गई है और महेंद्र सिंह धोनी ने ऑस्ट्रेलिया वालों की और अंपायर की क्या गलती पकड़ी, आपको पूरी की पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो को देखने के बाद। और महेंद्र सिंह धोनी ने जो कहा है, सात कारण बताए, उसको सुनने के बाद आपके भी पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी। और धोनी के सात कारण बताने के बाद मैक्सवेल की तरफ से मैक्सवेल का क्या बयान आया, आपको पूरा का पूरा लाइव वीडियो दिखाएंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के T20 के तीसरे मुकाबले में आखिरकार ऐसा क्या हुआ, सूर्य कुमार यादव की आखिरकार कप्तानी में क्या कसर रह गई जो सूर्य कुमार यादव की कप्तानी तीसरे मुकाबले में फ्लॉप हो गई, आप सभी को पूरा का पूरा लाइव वीडियो दिखाएंगे। हालांकि सूर्य कुमार यादव ने काफी अच्छी पारी खेली और 83 रन छोड़कर चले गए, उसके बाद गायकवाड़ का तूफान आया और ऐसी पारी खेली कि ऑस्ट्रेलिया वालों को धुआं धुआं बना दिया। ये तो मुकाबला बिल्कुल वर्ल्ड कप की तरह हो गया, जैसे कि रोहित शर्मा काफी फुल फॉर्म में नजर आ रहे थे और ऑस्ट्रेलिया वालों ने बेईमानी करके हमारे भारतीय टीम को वर्ल्ड कप में हराया था। वैसा ही सीन कुछ यहां पर हो गया इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के T20 की सीरीज में। आप सभी को बता दूं कि गायकवाड़ ने 51 गेंदों में 123 रन ठोक डाले और ऑस्ट्रेलिया वालों की धज्जियां उड़ा दी। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज गायकवाड़ के सामने पानी भरते हुए नजर आ रहे थे। आखिरकार तीसरे T20 में हार के बाद गुस्से में आकर के धोनी ने सात कारण बता ही दिए और आखिरकार ऑस्ट्रेलिया के टीम के खिलाड़ियों का और अंपायर का पर्दाफाश ही कर दिया कि आखिरकार किस वजह से भारतीय टीम हार चुकी है तीसरा T20 का मुकाबला, आखिरकार कहां पर क्या गलती हुई है, आप सभी को पूरा का पूरा लाइव वीडियो दिखाएंगे। सूर्य कुमार की यादव की कप्तानी में अभी तक कोई कसर नहीं रही, दो मुकाबले लगातार जीत चुकी थी और तीसरा भी मुकाबला अपने नाम ही कर लिया था, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि तीसरे मुकाबले में 222 रन बनाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 222 रन की बढ़िया पारी खेली और उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया का नंबर आया तो ऑस्ट्रेलिया के मैक्सवेल ने काफी बेहतरीन पारी खेलकर हमारी भारतीय टीम को करारी हार दी। आप सभी को बता दें कि मैक्सवेल ने काफी खतरनाक पारी खेली, हम उनका खेलने का सम्मान भी करते हैं, लेकिन जो बेईमानी हुई है उसको सुनने के बाद आप भी एक बार चौंक जाओगे। मैक्सवेल ने लास्ट जो बात कही उसको सुनने के बाद आपके भी पैरों के तले जमीन खसक जाएगी। हालांकि अंपायर की भी थोड़ी यहाँ पर गलती रही, क्योंकि वहाँ पर मैक्सवेल जो है वो आउट थे लेकिन अंपायर ने उनको नॉट आउट बता दिया। आप सभी को बता दें कि भारतीय टीम के साथ हमेशा बेईमानी होती आ रही है। मैक्सवेल ने बताया कि हम पूरी की पूरी तैयारी करके आते हैं और आप सभी को बता दें कि मैक्सवेल ने यह भी कहा कि चौथे T20 के मुकाबले में भी हम भारतीय टीम को करारी हार देंगे। जैसे ही सूर्य कुमार यादव को ऐसे कहा तो सूर्य कुमार यादव का खून खोल गया और उन्होंने भारतीय टीम की प्लेइंग 11 को पूरी की पूरी बदल डाला। यहाँ पर अब आपको भारतीय टीम की तरफ से चौथे मुकाबले में श्रेयस अय्यर खेलते हुए नजर आएंगे। श्रेयस अय्यर उप कप्तान के रूप में खेलते हुए नजर आएंगे। श्रेयस अय्यर काफी खतरनाक और बेहतरीन बल्लेबाज हैं जो वर्ल्ड कप के मुकाबले में भी खेले थे। आप सभी को बता दें तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।